हाय फ्रेंड्स, राजेश हियर फ्रॉम technoverse.net। आज के इस वीडियो में हम अपने Mi 11s के अंदर जो है लेटेस्ट चाइना का जो रोम है उसको यूज कर रहे हैं, जो कि Xiaomi EU का रोम है और ये काफी सारे फोन्स के लिए इस टाइम पे अवेलेबल है। रिसेंटली जो है नए रोम के अंदर काफी सारे नए फीचर्स को इंक्लूड किया गया है। नया फाइल मैनेजर आपको देखने को मिला है, जो कि बताया जा रहा है कि MIUI 13 का फाइल मैनेजर आपको देखने को मिला है, जिसको हम अपने Mi 11s फोन के अंदर यूज कर पा रहे हैं। और भी काफी सारे वीडियो एडिटिंग के टूल्स के अंदर कुछ चीजों को चेंजेस किया गया है, कैमरे को और भी ऑप्टिमाइज किया गया है और काफी सारे नए फीचर्स जो है इंक्लूड किए गए हैं। तो आज का ये वीडियो इसी के ऊपर है कि क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिले हैं और कैसे जो है आप इसको अपने फोन के अंदर इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन नहीं, आप एक तरीके से बोल सकते हैं एक सजेशन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं कुछ दिनों से जो है फेस कैम कर रहा हूं। अगर आपने मेरे जो लास्ट या प्रीवियस वीडियोस देखे तो उसमें आपने देखा होगा जो हमारा बैकग्राउंड था वो थोड़ा सा अलग था। तो अब मैंने जो है कुछ इस तरीके के बैकग्राउंड के ऊपर स्विच किया है। तो आप मुझे कमेंट करके देगा ये वाला बैकग्राउंड बढ़िया है कि जो पहले वाला था वो वाला आपको बेटर लगा था। तो मैं आपके कमेंट्स का भी वेट करूंगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है Mi 11X और आज इसके अंदर जो है हम लेटेस्ट वर्जन जो है Xiaomi EU का, जो कि चाइना रोम पे बेस्ड होता है, उसको यूज कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं कौन सा वर्जन है। तो ये देखिए 21.6.23 का बीटा वर्जन है। ये आपको जो है रिसेंटली रिलीज हुआ है काफी सारे फोन्स के ऊपर। आप इनकी साइट पर जाके अपने फोन को चेक कर सकते हैं। अगर आपके फोन के लिए अवेलेबल है तो आप जो है उसको अपने फोन के अंदर इंस्टॉल भी कर सकते हैं, जो कि मैं एंड में बताऊंगा कैसे आपने इसको इंस्टॉल करना है। अगर कुछ फीचर्स की बात की जाए तो देखा जाए तो आपको सभी के सभी जो है MIUI 12.5 के ही फीचर्स जो है इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आपको नए तरीके नोटिफिकेशन बार वगैरह यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। कैमरे के अंदर जो है काफ़ी सारी चीज़ें आपको उसके अंदर देखने को मिलती हैं, जैसे कि आप उसके अंदर ड्यूल मोड का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शन मिलते हैं आपको, ब्लॉग मोड, लॉन्ग एक्सपोजर, AI वाटरमार्क, ये कुछ मिल जाते हैं और मूवी इफेक्ट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इवन गैलरी के अंदर भी काफी सारे जो है चेंजेस किए गए हैं। गैलरी के अंदर जो है अब आपको यहाँ पे रिकमेंडेड ऑप्शन में आप जाएं तो आपको वीडियो एडिटर, मैजिक आईडी, आर्ट टूल और वीडियो इफेक्ट्स का भी एक नया टूल देखने को मिलता है, जिसमें आप कुछ इस तरह के वीडियो इफेक्ट्स जो है अपने वीडियोस के अंदर आप दे सकते हैं इस सिंपल से टूल के थ्रू। तो ये सब चीजें भी आपको गैलरी में मिल जाती हैं। अगर वीडियो टूल बॉक्स की बात करें तो उसमें आपको डॉल्बी का सपोर्ट मिल जाता है, आपको पिक्चर मोड मिल जाता है इसके अंदर। आपको किस तरीके देख पा रहे होंगे आपको यहाँ पे आपको इनहेंस एनिमेशन का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है और इनहेंस कलर्स का भी ऑप्शन जो है अब यहाँ पे आपको देखने को मिला है, जिसको आप यहाँ से इजीली यूज कर सकते हैं। तो ये नई चीजें भी आपको इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिली है और स्टाइल को भी आप यहाँ से इजिली चेंज कर सकते हैं। तो गैलरी जो है फुली अपडेट है और काफी सारे नए फीचर्स यहाँ पे देखने को मिले। फिलहाल तो इसमें मुझे कोई भी ज्यादा लैग वगैरह यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, सारी चीजें परफेक्ट तरीके से काम कर रही है। इवन थीम स्टोर भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जिसमें वॉलपेपर्स, डायनेमिक वॉलपेपर्स, रिंगटोन्स, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, इन सबको आप मैनेज कर पाते हैं। सबसे अच्छी बात जो है यहाँ पे आपको इसके अंदर जो है MIUI का डायलर जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। सेटिंग्स पैनल की बात करें तो आपको वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। आपको लेटेस्ट साउंड जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर विद नेचर मिक्स साउंड, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो सारी चीजें अपडेटेड हैं। डिस्प्ले का पैनल भी आपको कुछ इस तरह का विद रिफ्रेश रेट के साथ आपको यहाँ पे दिया गया है। फॉन्ट सेटिंग्स को आप चेंज कर सकते हैं। आपको AI इमेज इंजन मिल जाता है इसके अंदर, जिसको आप यहाँ से इजिली एक्सेस कर पाते हैं। तो ओवरऑल सभी MIUI 12.5 के अपडेट और आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन के सभी जो नए फीचर्स जो इंट्रोड्यूस किए गए थे, जैसे रिसीव नोटिफिकेशन अबाउट ऐप बिहेवियर, ये भी आपको इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिला है। सारे के सारे चीजें आपको नई मिल जाती हैं। इवन जो आपको स्क्रीन टाइम, जिसको आप डिजिटल वेलबींग बोलता हूँ, वो भी लेटेस्ट विद फोकस मोड यहाँ पे दिया गया है। एडिशनल सेटिंग्स में जाएं तो आपको जेस्चर्स एंड शॉर्टकट्स में बैक टैप के जेस्चर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये सब चीजें जो है आपको इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो आप भी जो है इस रोम को अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो किसी कस्टम रिकवरी के थ्रू जो है आप अपने फोन के अंदर इसको फ्लैश कर सकते हैं। ये कुछ चीजें आपको इसके अंदर जरूर देखने को मिलती है। अगर आप देखें तो आपको जो फ्लोटिंग विंडोज का जो एनिमेशन है वो भी अब चेंज कर दिया गया है, एक नए एनिमेशन के साथ आपको देखने को मिला। ये देखिए कुछ इस तरह का नया एनिमेशन जो है अब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसको इंस्टॉल करने के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको कोई कस्टम रिकवरी चाहिए और आपको जो है Xiaomi EU का रोम जो है इंस्टॉल करना है, तो वो डाउनलोड फाइल जो है मैं आपको फाइल मैनेजर में दिखा देता हूँ। फाइल मैनेजर भी हमारे जो लेटेस्ट और विद नए एनिमेशंस और कुछ MIUI 13 का जो फाइल मैनेजर आपको बताया गया है उस तरीके यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये देखिए इंटरनल स्टोरेज में हम फोन के जाते हैं, यहाँ पे मैंने उस फाइल को सेव कर रखा है। ये वो फाइल है जो कि अराउंड 1.44 GB की है। तो आपने अपने फोन के लिए वो फाइल जो है Xiaomi EU की रोम की अपने फोन के अंदर डाउनलोड करनी है। उसके बाद जो है सिंपली आप अपने फोन को स्विच ऑफ कर देंगे। तो हम फोन को स्विच ऑफ कर देते हैं और इस रोम को हम फ्लैश करेंगे। तो मैं Mi 11s के अंदर आपको फ्लैश करना बता रहा हूँ, मोस्टली हर फोन के अंदर इसी तरीके से फ्लैश होती है। अब आपने फोन को कस्टम रिकवरी बूट करेंगे तो उसके लिए वॉल्यूम अप,
और पावर के बटन को होल्ड रखिए और आपका फोन जो है कस्टम रिकवरी बूट करेगा। हम अपने फोन के अंदर TWRP की रिकवरी यूज कर रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे Mi 11s के लिए सिर्फ TWRP की ही रिकवरी अवेलेबल है। ऑरेंज फॉक्स वगैरह अभी इस टाइम पे आई नहीं है, बट जल्दी वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये देखिए हमारा फोन जो है TWRP पे बूट कर चुका है। वाइप पे जाइए, एडवांस वाइप, डॉल्बी कैश, डाटा, इन सबको आप वाइप कर देंगे। अगर आपको सिस्टम का ऑप्शन मिलता है आपके फोन के अंदर तो आप उसको भी वाइप कर दीजिए। Mi 11s में वो शो नहीं करता है डायनामिक पार्टीशन की वजह से। आप इंस्टॉल पर जाइए, रोम की फाइल को सिलेक्ट कीजिए और स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश कर दीजिए। कुछ ही देर में जो है ये फाइल आपके फोन के अंदर फ्लैश हो जाएगी। उसके बाद आप फॉर्मेट डाटा करेंगे जिसमें YES लिखना होता है, वाइप डाटा नहीं, फॉर्मेट डाटा, और YES लिखेंगे और बूट करेंगे। तो इस तरीके से जो है आप इस लेटेस्ट चाइना बेस्ड रोम जो होता है EU का, उसको अपने Mi 11s फोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसको आप पोको F3 के नाम से भी जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज के वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।